हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ओप्पो A52 एंड A33 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट सेटिंग, कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो हम किस प्रकार से कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो इस वीडियो में जानेंगे। एंड उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बार प्रेस कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें यह वीडियो शेयर करते। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के देखिए, आप यहाँ पे देखिए फ़ोन मैनेजमेंट वाला ऑप्शन पर चले जाइएगा। देखिए कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन पर देखिए एंड यहाँ पे देखिए फ़ोन के जस्ट साइड में देखिए कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन है, तो उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए प्लस के साइड वाला आइकॉन देखिए, टूल्स वाला सेटिंग वाला, उस पर आप चले जाइएगा, टैप कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए सेटिंग आ चुकी है कॉन्टैक्ट की। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, देखिए यहाँ से देखिए इम्पोर्ट फ्रॉम स्टोरेज, तो यहाँ से देखिए आप इम्पोर्ट कर सकते हैं स्टोरेज में। देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, इस प्रकार से इसका डाटा सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर इसके देखिए ओके करते एंड यहाँ पे ओके करते तो आपका यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो जाएगा स्टोरेज में। एंड इंपोर्ट फ्रॉम अदर फोन, तो यहाँ से आप दूसरे अदर फोन में यहाँ पे देखिए इंपोर्ट कर सकते हैं इन अदर फोन, यहाँ पे देखिए अदर फोन में इस डिवाइस से यहाँ पे देखिए। एंड एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस में। देखिए मेरे इसमें ऑल कॉन्टैक्ट दिखा रहा है एंड यहाँ पे देखिए फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट है, 192, व्हाट्सएप में कितने 135 दिखा रहा है। एंड यहाँ पे सेंड कॉन्टैक्ट, तो यहाँ से शेयर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं देखिए इस प्रकार से, तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा टॉपिक कॉन्टैक्ट सेटिंग, कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।